सूर्यास्त के बाद ना करें ये कार्य, पछताएंगे और होगा बड़ा नुकसान। पुराने शास्त्रों और हिंदू धर्म के अनुसार सूर्यास्त के बाद कुछ ऐसे कार्य होते हैं जिन्हें करना वर्जित होता है। वह कार्य करने से घर में रोग और संकट पैदा होते हैं और साथ ही माता लक्ष्मी भी नाराज हो जाती हैं। जानिए यह कार्य जिन्हें भूलकर भी नहीं करना चाहिए, अन्यथा आप पछताएंगे। नंबर एक, झाड़ू पोछा नहीं लगाते हैं। मान्यता के अनुसार सूर्यास्त के बाद घर में झाड़ू पोछा या साफ सफाई इत्यादि नहीं करना चाहिए। सूर्यास्त के बाद झाड़ू लगाने से धन हानि होने लगती है। नंबर दो, सोना वर्जित है। सूर्यास्त के समय सोना वर्जित माना गया है। इससे आपके स्वास्थ्य पर प्रतिकूल असर पड़ता है। इससे धन और सेहत दोनों की ही हानि होती है। शास्त्रों में सूर्यास्त का समय पूजन वंदना के लिए निश्चित किया गया है। नंबर तीन, दही या चावल का सेवन। सूर्यास्त के बाद दही का सेवन करना भी वर्जित है। दही का दान कभी नहीं करते हैं। दही का संबंध शुक्र ग्रह से होता है और शुक्र को धन वैभव का प्रदाता माना गया है। सूर्यास्त के समय या सूर्यास्त के बाद दही का दान करने से सुख समृद्धि चली जाती है। इसी तरह सूर्यास्त के बाद चावल का सेवन भी नहीं किया जाना चाहिए। जैन धर्म के अनुसार तो सूर्यास्त के बाद भोजन भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे रोग बढ़ते हैं। इसके और भी कई नुकसान होते हैं। नंबर चार, अंतिम संस्कार नहीं करते हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार सूर्यास्त के बाद अगर अंतिम संस्कार किया जाता है तो मरने वाले को प्रलोक में कष्ट भोगने पड़ते हैं। अगले जन्म में उसके अंगों में भी खराबी आ सकती है। नंबर पांच, खाना खुला रखना। सूर्यास्त के पश्चात भोजन या पानी को खुला नहीं छोड़ना चाहिए, उन्हें ढककर ही रखना चाहिए। मान्यता अनुसार खुला छोड़ने से उसमें नकारात्मक गुण बढ़ जाते हैं। इससे सेहत की हानि भी होती है। नंबर छह, कपड़े धोना और सुखाना। सूर्यास्त के पश्चात कपड़े धोना सुखाना सही नहीं माना जाता है। इससे आसमान से नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश कर जाती है। यह भी कहा जाता है कि इससे व्यक्ति रोगी हो जाता है। इससे कपड़ों पर बैक्टीरिया की संख्या में बढ़ने की मान्यता भी है। नंबर सात, सूर्यास्त के बाद स्नान। कई लोग दो समय स्नान करते हैं, सूर्योदय के बाद और सूर्यास्त के बाद। यदि सूर्यास्त के बाद स्नान कर रहे हैं तो माथे पर चंदन ना लगाएं। रात्रि को स्नान करने से शीत का प्रकोप बढ़ जाता है। नंबर आठ, पेड़ पौधों को छूना या पानी देना। सूर्यास्त के बाद पेड़ पौधों को छूना, उनके पत्ते तोड़ना या उन्हें पानी देना सही नहीं माना जाता है। मान्यता के अनुसार वे सूर्यास्त के बाद सो जाते हैं। सूर्यास्त के बाद भूलकर भी तुलसी के पौधे को स्पर्श नहीं करना चाहिए और सींचना भी नहीं चाहिए। नंबर नौ, नाखून बाल और दाढ़ी काटना। मान्यता अनुसार कहते हैं कि रात में बाल नहीं कटवाने चाहिए और शेव भी नहीं बनवानी चाहिए। नंबर दस, दूध पीना। रात में दूध नहीं पीना चाहिए, क्योंकि दूध की तासीर ठंडी होती है। गला खराब आदि की समस्या उत्पन्न हो सकती है। मिलते हैं अगली वीडियो में। आप जुड़े रहिए हमारे चैनल भक्ति भजन संग्रह में, और अच्छी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करें।